Welcome to the fourth lecture of Highway Engineering. In this lecture, we will be talking about horizontal alignment. So, what is horizontal alignment? हमें पता है कि कोई भी रोड हमेशा स्ट्रेट पाथ में नहीं होती. अगर हमें कोई भी दो डेस्टिनेशंस, कोई भी दो सिटीज को ज्वाइन करना है, तो हमें वैसे तो पता है कि जो बेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, बट हमेशा ये नहीं होता. क्या होता है कि कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए बीच में, तो हमें ऐसे मूव करते हुए एक हॉरिजॉन्टल पाथ देना होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व देना पड़ जाता है. कई बार कोई इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे मान लीजिए, तो उस इम्पॉर्टेंट सिटी को हमें जोड़ना पड़ जाता है. ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन्हीं जो हमारे अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं. ठीक है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं. आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे हैं, अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे हैं, मान लीजिए हमारी एक गाड़ी है, हमें पता है कि फिजिक्स का एक फिनोमेना है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो उसको बाहर की तरफ धकेलती है, जो उसको आउटवर्डली पुश करती है. ठीक है, अगर हम किसी भी कर्व पे हैं, आप भी अगर कभी गाड़ी में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम कर्व पे होते हैं तो हमारी बॉडी आउटवर्डली पुश होती है. ठीक है, आउटवर्डली पुश होती है. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करें, तो इफ दिस इज अ कार एंड दीज आर द टायर्स ऑफ दिस कार, सो द कार इज मूविंग आउटवर्डली. ठीक है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये फोर्स लगती है पी. ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स लग रही है पी जो उसको बाहर की तरफ धकेल रही है, उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल लग रहा है डाउनवर्डली. ठीक है, इसको कह देंगे W. ठीक है, अगर W वेट लग रहा है तो टायर्स पे भी कुछ रिएक्शन लगेगा. मान लीजिए इसको कह देते हैं RA, इसको कह देते हैं RB. ठीक है, ये RA RB रिएक्शन लग रहा है. तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट काम करते हैं. एक है हमारा ओवर टर्निंग इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स स्किडिंग. वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. अगर और हमें पता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लीजिए अगर पी है, तो पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जी. वी नो दैट एम इंटू जी क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी होता है. तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी. So this is the equation for the centrifugal motion of a vehicle. ठीक है, डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी. अब हम आते हैं अपने ओवर टर्निंग इफेक्ट की तरफ. ओवर टर्निंग इफेक्ट, मान लीजिए ये जो फोर्स लग रही है ये एक एच डिस्टेंस पे लग रही है. ठीक है, एच हाइट पे लग रही है, सॉरी. और ये दो दो टायर्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है बी. ठीक है, तो डब्ल्यू से लेके आर बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी बाय टू. ठीक है, आई होप आप ये देख पा रहे हो, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बी बाय टू हो जाएगा. ठीक है, अगर अब इन फोर्सेस को काउंटरैक्ट करना है तो क्या लगेगा ओवरटर्निंग इफेक्ट के लिए. ठीक है, पी इंटू एच will be equal to W into B by 2. W into B by 2. ठीक है, अगर हम इसको फिर से रिजॉल्व करें, P by W is equal to B by 2H. ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि P by W क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो. P by W is called the centrifugal ratio. ठीक है, ये equation हमें बताती है कि अगर P by W B by 2H के बराबर हो गया तो हमारी overturning की जो tendency है वो increase हो जाती है.
तो ओवरटर्निंग की टेंडेंसी को इंक्रीज ना करने के लिए हम हमेशा पी बाय डब्ल्यू शुड बी लेस देन बी बाय टू एच, विच इज़ द राइट इक्वेशन। ठीक है, अगर पी बाय डब्ल्यू बी बाय टू एच के इक्वल हो जाती है तो डेंजर या ओवर टर्निंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हो गया ओवर टर्निंग इफेक्ट। दूसरे आते हैं हम ट्रांसवर्स स्केडिंग पे, सेकंड जो हमारा है ट्रांसवर्स स्केडिंग। अगर कुछ वैल्यूज अगर मैं रिकॉल करूं तो ट्रांसवर्स स्केडिंग होता क्या है, ट्रांसवर्स स्केडिंग सबसे पहले तो स्केडिंग क्या होता है, स्केडिंग दो टाइप की होती है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है तो वो कौन सी स्केडिंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्केडिंग होती है। अगर वो सेंट्रल सर्कुलर मोशन में है तब कौन सी स्केडिंग होगी, लेटरल स्केडिंग होगी। तो यहाँ पे हम कौन सी स्केडिंग की बात कर रहे हैं, लेटरल स्केड की, लेटरल स्केड की। सो अब हम लेटरल स्केड की बात कर रहे हैं, हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं, ये कार है, ये उसके टायर्स हैं। ठीक है, अब स्किडिंग की बात हो रही है तो स्किड किसकी वजह से हो रही है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रही है। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों टायर्स पे। ठीक है, और आपको पता है कि अगर वेट अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो कुछ रिएक्शन भी लग रहे होंगे, वो होंगे आर ए और आर बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है पी, तो हमें पता है कि एक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसको हम पहले भी हमने लिया है एफ और न्यू। ठीक है, हमने एफ लेके चल रहे हैं तब से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, एफ ए विच विल बी इक्वल टू एफ आर ए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, एफ बी, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एट बी विच विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू आर बी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्किडिंग के केस में क्या हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, पी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो एफ आर ए प्लस आर बी, और हमें पता है आर ए प्लस आर बी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको ये इधर ले आऊं, पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, ये क्या आ गया फिर से, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आ गया आपका। ठीक है, अगेन ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि पी बाय डब्ल्यू अगर एफ है फ्रिक्शन के इक्वल है तो चांसेस बढ़ जाते हैं डेंजर के, आपके स्लिपिंग के सॉरी स्किडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्किडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो सेफ राइडिंग के लिए पी बाय डब्ल्यू शुड बी लेस देन एफ। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो बी बाय टू एच मतलब ओवरटर्निंग मोमेंट से लेस होना चाहिए सेफ राइडिंग के लिए, और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पी बाय डब्ल्यू शुड बी लेस देन एफ विच इज फ्रिक्शनल कोफिशियंट। ठीक है, और एक चीज और, अगर हमारी व्हीकल इधर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का शिकार हो रही है, ठीक है ये कोई रोड है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, आउटवर्ड फोर्स लग रही है, और ये हमारा व्हीकल है, तो हमारा जो वियर एंड टीयर है इस वाले टायर का, आपको भी पता है कि कोई भी अगर बॉडी बाहर मूव कर रही है तो वो इस तरफ स्लोप होगी, वो उसका स्लोप इस साइड होगा ज्यादा। ठीक है, स्लोप इस साइड होगा तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह का कपल प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। अगर यहाँ फोर्स बढ़ जाएगी तो इस वाले टायर पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस टायर का वियर एंड टीयर ज्यादा होगा इस टायर के मुकाबले। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब जो हमारा आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर सुपर एलिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, कई बारी ये जो फोर्सेस हैं जैसे हमारी एक ये ओवरटर्निंग मोमेंट हो गया और ये स्किडिंग का इफेक्ट हो गया, इन सब चीजों की टेंडेंसी को कम करने के लिए हमें सुपर एलिवेशन देना होता है। सुपर एलिवेशन बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल ये रोड है, ये रोड की पेवमेंट है, ठीक है, इस रोड मान लीजिए ये रोड है, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ए ए सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, अगर मैं ए सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं,
आउटर वाले एज से हम रोड को कुछ डिस्टेंस तक उठा देते हैं, ठीक है, और उसको हम डिस्टेंस कहते हैं ई, स्मॉल ई या कैपिटल ई, ठीक है। मान लीजिए हमने ये थीटा एंगल पे उठा दिया, तो इस ई डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, सुपर एलिवेशन। अब जब हमने इसको उठा दिया है तो जो स्किडिंग के चांसेस हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, प्लस जो ओवर टर्निंग इफेक्ट है उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सुपर एलिवेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे क्या कहते हैं स्किडिंग और ओवर टर्निंग को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका एनालिसिस होता देखो मैं, इसकी डेरिवेशन है जो मेन चीज़ है, सिर्फ हमें वो एक उसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब हमने एलिवेशन सुपर एलिवेशन दिया तो जो हमारी कार है, कोई भी व्हीकल है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो वेट का जैसे कंपोनेंट है, ये वेट का कंपोनेंट है इसका, वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये भी इसके जो क्या कहते हैं रोड, इस रोड के जो परपेंडिकुलर लगेगा वो भी W, मान लो ये W है तो ये W cos थीटा लगेगा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली हमारा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लग रहा था P, अब वो उसका रोड के पैरेलल लगेगा वो थीटा, तो ये हो जाएगा P cos थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W sin थीटा, ठीक है। रिएक्शंस लगेंगे RA RB, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे किसी भी काम की नहीं है। मेन जो इसमें से हमें एक फॉर्मूला निकालना है सुपर एलिवेशन का, सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के बाद, हर चीज़ निकालने के बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, वेयर ई इज द सुपर एलिवेशन, एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशियंट, V is the velocity or design speed of that curve or highway or anything, any road. G is the gravitational constant. R is that radius of the curve. ठीक है, ये वाला formula बहुत बहुत important है, आप इसको note कर लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिस super elevation की कुछ conditions होती हैं, conditions कह रहे कि जैसे अब plane terrain है, प्लेन टेररेन है, तो हम फ्रिक्शनल कोफिशिएंट सॉरी सुपर एलिवेशन को 0.07 से ज़्यादा नहीं रखते, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई हिली रोड या हिली टेररेन है तो हम इसको 0.10 या 10% लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर कोई अर्बन अर्बन रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन है तो हम कितने ले लेते हैं, 4% या 0.4, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। मेन एक ये मेन फॉर्मूला, एक ये वैल्यूज, ठीक है। क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको सब अभी पता चल जाएगा कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज 100 मीटर, ये कहता है कि जो आर है हमारा है 100 मीटर, ठीक है। डिजाइन स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, वी इज इक्वल टू 50 KMPH, उसके बाद कहता है कि एंड द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15, एफ की वैल्यू है 0.15, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू डेवलप। अब आपको क्या निकालना है, सुपर एलिवेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, ठीक है। सबसे पहले अगर ये मीटर में है, ये 0.15 है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 3.6 से, तो 50 डिवाइड बाय 3.6, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा इसका, ठीक है। ई की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.15 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब 50 डिवाइड बाय 3.6 का होल स्क्वायर बाय 9.81 इंटू रेडियस कितना है 100 मीटर, E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.047, विच इज लेस देन 0.07, जो हमने बताई थी कि सबसे ये जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए इसकी 0.07 होनी चाहिए प्लेन के केस में, विच इज ओके,
ठीक है, ये है हमारा सुपर एलिवेशन। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए। ये तो अभी हमने सुपर एलिवेशन निकाला, अगर अब हम अब प्रैक्टिकल केसेस में हमें सुपर एलिवेशन क्या है डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन जो सबसे पहला स्टेप है डिजाइन में। देखो सुपर एलिवेशन निकालना है तो हम इस केस में जो स्पीड है वो 75% लेके चलते हैं, जो हमारी डिजाइन स्पीड है उसकी 75% लेते हैं। उसका मतलब हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इज इक्वल टू 0.75 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर। अब हमें पता है कि अगर ई की वैल्यू 0.7 या उससे लेस आती है तो ठीक है, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 0.07 आती है तो दिस इज रॉन्ग। नाउ यू हैव टू, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ई की वैल्यू 0.07 से बड़ी आ गई है तो आप यहाँ पे आप फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करें, लेकिन वैल्यू क्या रखेंगे, 0.07 ही रखेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0.75 वी स्क्वायर बाय जी आर। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ई की वैल्यू तो फिक्स कर देंगे 0.07, और अब यहां से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। अगर अब यहां से एफ की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.15 आती है तो ठीक है, अगर अब ग्रेटर देन 0.15 आती है तो गलत है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें पता चल गया कि हमने ई की वैल्यू फिक्स कर दी, एफ की वैल्यू अगर यहाँ गलत आती है तो हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू भी फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वी की वैल्यू जो हमारी वेलोसिटी है उसके साथ कंपेंसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ई की वैल्यू भी हमने फिक्स कर दी प्लस एफ की वैल्यू भी हमने फिक्स कर दी, और यहाँ पे वी की वैल्यू 0.75, अब हमें वी की वैल्यू के साथ वेलोसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी हमें पता है, आर हमें उस टाइम पता होगा, ठीक है, तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 0.22 जी आर। ये है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है। अगर हमें नॉर्मली डिजाइन करना है तो सबसे पहले तो हमारा ये स्टेप है कि अगर आपको नॉर्मल डिजाइन करना है तो इज इक्वल टू आप वेलोसिटी को 75% लेके चलेंगे, तो इसका मतलब 0.75 वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि अगर ई की वैल्यू 0.7 उस 0.07 आ रही है या उससे लेस आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर 0.07 से ज्यादा आ रही है तो आपको उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फ्रिक्शनल कोफिशियंट का कॉम्पोनेंट ऐड कर देते हैं, ई प्लस एफ इज इक्वल टू सेम वो सिचुएशन ऐड कर देंगे उसमें। आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या है, हम 0.75 यूज नहीं कर रहे हैं, 0.75 हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे वी स्क्वायर नॉर्मल होगा। अगर हम नॉर्मल सिर्फ ई के केस में डिजाइन करते हैं तो 0.75 वेलोसिटी लेके चलेंगे, लेकिन जब हम फ्रिक्शन के साथ डिजाइन करते हैं तब 0.75 नहीं लेके चलते, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे, तो वी स्क्वायर बाय जी आर लेके चलेंगे। उसके बाद अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.15 आती है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0.15 आती है तो गलत है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, अब हमने ई की वैल्यू भी फिक्स कर दी 0.07, एफ की वैल्यू भी फिक्स कर दी 0.15, अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मैंने फिर मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे क्या रहेगा, वी स्क्वायर ही रहेगा, नॉर्मल वी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, वी स्क्वायर बाय जी आर। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.07 प्लस 0.15 तो 0.22 जी आर का अंडर रूट आप इसको प्लस करेंगे तो 0.22 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल हाईवे ऑफ कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन आर इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है।
and the speed is 100 kilometer per hour, which v is 100 kmph. ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू देखेंगे. ई की वैल्यू क्या है, 0.75 वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर. आप प्लीज ये चीज देखिए कि रेडियस जो है वो मीटर में है, ये बहुत मिस्टेक होती है. रेडियस जो है वो मीटर में है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो वी की वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए. तो वी की वैल्यू आप इसको 100 से 3.6 डिवाइड करके ही वैल्यू पुट करेगा. अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ई की जो वैल्यू आती है वो 0.089 आती है, विच इज ग्रेटर देन 0.07, which is not acceptable. Since it is not acceptable, so we have to introduce the component of frictional coefficient. Now, E plus F is equal to V square by GR, and F is equal to V square by GR minus 0.07, which is the value of E. ठीक है, अगर हमने ये वैल्यू पुट करी V, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 100 डिवाइड बाय 3.6. ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे. अब हमें 0.75 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने मैंने पहले भी गलती कर दी थी, अब नहीं कर रहा. यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 3.6 से को स्क्वायर करेंगे. जी पता है, आर पता है हमें. ठीक है, वैल्यू जो आएगी अब एफ की जो आएगी वो आएगी 0.157 माइनस 0.07, विच विल बी इक्वल टू 0.087, which is less than 0.15, hence it is safe. Therefore, you can provide a super elevation of 0.07. ठीक है, तो हमने 0.07 की वैल्यू जो फिक्स करी थी यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है, और हम 0.07 का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इन द फील्ड. के फील्ड में सुपर एलिवेशन कैसे अटेन करते हैं, उसके दो मेथड होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. प्लस द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, और ट्रांजिशनल कर्व्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.